हेलो दोस्तों, नमस्ते सभी को एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। आज फिर हाजिर हैं हम आपके साथ एक और नई रेसिपी लेकर। आज बनाने वाले हैं हम ये यम्मी और टेस्टी सी खीर। बहुत ही बढ़िया रेसिपी है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। खीर बनाने के लिए यहाँ पर लिए हैं मैंने कॉर्न। आज कॉर्न की खीर बनाएंगे हम। बहुत ही टेस्टी लगती है और झटपट बनकर रेडी हो जाती है। तो यहाँ पर एक कप मैंने स्वीट कॉर्न लिए हैं, एकदम ताजे फ्रेश कॉर्न है ये। अभी मार्केट में बहुत ही बढ़िया कॉर्न मिल रहे हैं ताजे ताजे। और यहाँ पर मिक्सर का जार ले लिया है मैंने और इन्हें अच्छे से दो बार वॉश कर लिया था मैंने निकाल कर, और मिक्सर के जार में ट्रांसफ़र कर देंगे इस तरह से। हम इसमें थोड़ा सा हम पानी ऐड करेंगे, थोड़ा सा हम इलायची पाउडर ऐड कर देंगे। दो हरी इलायची के दाने लिए हैं मैंने। और यहाँ पर ढक्कन लगाकर इसे अच्छे से ग्राइंड करेंगे हम। इसका दरदरा पेस्ट बनाना है, एकदम फाइन पेस्ट नहीं बनाना है। ये देखिए मैंने एक थोड़ा सा दरदरा पीसा है इसे, एकदम बारीक पेस्ट नहीं बनाना है। ये मैं चम्मच से दिखाती हूँ आपको, ये देखिए हल्का सा दरदरा है। इस कंसिस्टेंसी में इसका पेस्ट बना लेंगे हम। अब यहाँ पर मैंने गैस पे एक पतीला चढ़ा दिया है, इसमें हम लेंगे दूध। ये ताज़ा फुल क्रीम दूध लिया है मैंने। यहाँ पर हम तकरीबन डेढ़ गिलास दूध लेंगे। मैंने एक गिलास ऐड कर दिया है, आधा गिलास और ऐड करेंगे इसमें हम। और मीडियम टू लो फ्लेम पर इसे हम एक उबाल आने तक अच्छे से पका लेंगे। और बीच बीच में इस तरह से हम इसे चलाते हुए रहेंगे। मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आगे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाएंगे। और मेरे द्वारा बनाए हुए वीडियो आपको पसंद आते हैं, रेसिपी पसंद आती है, तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर हमने बॉयल अच्छे से कर लिया है दूध को। ये देखिए एक उबाल आ गई है, बहुत अच्छे से दूध बॉयल हो गया है। अब यहाँ पर ऐड करेंगे हम कॉर्न का पेस्ट जो हमने पीस के रखा था, वो इसमें ऐड कर देंगे अच्छे से। ये देखिए सारा पेस्ट हमने इसमें डाल दिया है और अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसमें हम आधा कप पानी ऐड करेंगे, जिसमें मिक्सर के जार में हमने पेस्ट पीसा था उसी में से हम पानी डालकर इसमें ऐड कर देंगे। और अच्छे से चलाते हुए इसे 5 से 7 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर हम अच्छे से पका लेंगे, ताकि जो कॉर्न है वो अच्छे से इसके साथ बॉयल हो जाए। ये देखिए इस तरह से चला देंगे हम अच्छे से। तो यहाँ पर 5 से 7 मिनट तक हमने इसे पका लिया है बहुत अच्छे से, और बहुत अच्छी से खुशबू आ रही है इसकी, बहुत अच्छे से कॉर्न पक चुका है। अब यहाँ पर चीनी ऐड करेंगे हम टेस्ट के अकॉर्डिंग। मैंने 4 टेबल स्पून चीनी ली है। इसके साथ थोड़े से हम ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। मेलन सीड्स लिए हैं मैंने थोड़े से, 1 चम्मच। 1 चम्मच अचार की बीज ली है। इसके साथ ऐड करेंगे हम थोड़े से किशमिश, 10 से 12 के लगभग किशमिश लिए हैं। 4 से 5 पिस्ता बारीक कट करके ऐड कर देंगे। 4 से 5 काजू लिए हैं बारीक कट करके, और 5 से 6 बादाम लिए हैं बारीक कट करके, वो भी ऐड कर देंगे हम इसमें। अब इसको चलाते हुए हम 4 से 5 मिनट के लिए और पका लेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर। ड्राई फ्रूट्स आप अपनी पसंद के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आपको जो ड्राई फ्रूट्स पसंद है वो इसमें ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर चीनी की जगह आप मिश्री या फिर गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छे से हमने पका ली है 5 से 7 मिनट तक। ये देखिए बहुत ही अच्छे से पक चुकी है और बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। तो ये खीर हमारी एकदम रेडी हो गई है परफेक्ट। इस तरह से उबाल आ गई है, 2 से 3 उबाल ले लिए हमने इसकी, और बहुत ही बढ़िया तरीके से हमारी खीर एकदम बनकर रेडी हो गई है। ये देखिए कितना बढ़िया कलर आया है। अब यहाँ पर हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देते हैं। अब इसे कर लेते हैं सर्व, एकदम गर्मा गर्म सर्व करें, ठंडी करके ना खाएं। गरम गरम खीर काफ़ी टेस्टी लगती है। ऊपर से डाल देंगे थोड़े से बारीक कटे हुए बादाम और थोड़े से बारीक कटे हुए पिस्ता। तो बढ़िया हमारी कौन सी इंस्टेंट खीर रेडी है, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो ये थी आज की हमारी रेसिपी। आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो एक लाइक वीडियो को ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक हेल्दी रहिए, फिट रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।